छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के अग्निपथ योजना का विरोध करने पर अब बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। पहली बार बीजेपी ने अग्निपथ पर विरोध करने की शिकायत केंद्रीय एजेंसी एनआईए से की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी की शिकायत का एक पत्र एनआईए भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि कांग्रेसी विधायक आदिवासियों को देश के खिलाफ हिंसा करने के लिए भड़का रहे हैं। बीजेपी ने एनआईए को लिखे पत्र में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा भड़काने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारे पर देश में उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। नक्सल हिंसा प्रभावित छत्तीसगढ़ के संवेदनशील बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी ने अग्निपथ के विरोध में अन्य राज्यों जैसी हिंसा करने का निर्देश अपने भाषण में दिया है। सुनिए बीजापुर विधायक विक्रम शाह का भाषण आदिवासियों को संबोधित करते हुए इस वीडियो में। मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि इस योजना के बारे में लोगों को बताएं और आने वाला समय उन्हें इनका विरोध करने के लिए हम सबको सड़क पर उतरना चाहिए। आप देखें दूसरे राज्यों में बिहार में जिस तरीके से वहां के युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, जिस तरीके से वहां लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए। साथियों सबसे मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ। कार्यक्रम में विक्रम मंडावी आदिवासियों से कह रहे हैं जैसे बिहार में युवा गाड़ी चलाकर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, सब जगह इसी तरह से विरोध होना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए विक्रम शाह को। मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि इस योजना के बारे में लोगों को बताएं और आने वाला समय उन्हें इनका विरोध करने के लिए हम सबको सड़क पर उतरना चाहिए। आप देखें दूसरे राज्यों में बिहार में जिस तरीके से वहां के युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, जिस तरीके से वहां लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए। साथियों सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने लिखा है कि आदिवासियों की एक जनसभा में देश की संपत्ति को आग लगाने का आह्वान करने वाले कांग्रेसी विधायक के खिलाफ एनआईए को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। साय ने अपने पत्र में लिखा है कि विधायक विक्रम शाह के भाषण से ये साफ होता है कि अग्निपथ के विरोध में देश के कई शहरों में हुई हिंसा में कांग्रेस की भूमिका का पता चलता है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 27 जून को प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना के खिलाफ एक सत्याग्रह का कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसी दिन बीजापुर में आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में विधायक विक्रम मंडावी ने कहा था जैसे बिहार में युवा गाड़ी जलाकर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, सब जगह इसी तरह से विरोध होना चाहिए। अग्निपथ योजना का हम सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लिखे इस पत्र पर एनआईए क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल तो बीजेपी के इस पत्र से राज्य की राजनीति अग्निपथ के मुद्दे पर गर्माने लगी है।